हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एक काफी पावरफुल टीम आता है, फायर ड्रैगन और सनफ्लावर क्लैन का टीम, मगर तांगसंग का टीम इसे डिफीट कर टॉप 16 में चले जाते हैं। दोनों ही कंपटीशन में, इंडिविजुअल कंपटीशन और टीम कंपटीशन, इन दोनों में तांगसंग और मीगोंजी टॉप 16 में आ चुके हैं। अब बस इन्हें आगे क्वार्टर फाइनल में जाना है। अब आगे इधर तांगसंग अपने रूम में होता है, ये अपने टियानो डोमेन को रिलीज कर चुका है और इस डोमेन के साथ में इसका लक पावर भी काफी इंक्रीज कर चुका है और ये अपने बॉडी में विंड ड्रैगन क्लैन के ब्लड को एब्सॉर्ब कर रहा है या फ्यूजन ट्राई करने वाला है। जिम्पिंग स्किल के साथ में तांगसंग बिहिमत और मैनमुथ ब्लड को भी फ्यूज करना चाहता है, मगर पहले ये इन दोनों को करके देखना चाहता है कि इनका सक्सेस रेट क्या हो सकता है। तांगसंग जानता है कि अगर ये ड्रैगन पावर को बैटल में शो करता है फिर काफी हंगामा भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर ये दो स्किल को मर्ज कर देता है फिर इसमें जिम्पिंग पावर भी ऐड हो जाएगा, तो जिम्पिंग पावर से ये ड्रैगन पावर को कवर कर सकता है। जब ये इसका इस्तेमाल करेगा तो फिर इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे ये फ्यूजन भी अब स्मूथ होता जाता है और विंड ड्रैगन ब्लड जिम्पिंग स्किल के साथ में मर्ज हो रहा है। तांगसंग देखता है कि इसके सोच से भी ज्यादा ये स्मूथ चल रहा है और ये बड़ी आसानी से होने लगता है। जैसे जैसे जिम्पिंग स्किल में विंड ड्रैगन का एनर्जी भी ऐड होता जाता है, इससे तांगसंग के बॉडी में एनर्जी भी काफी फ्लो करता है, जो कि इसके बॉडी को भी स्ट्रांग बना रहा है। तांगसंग फील करता है कि ये स्किल अब इवॉल्व होकर फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन में बदल रहा है और ये 9th ईयर के पीक पे भी जा रहा है। तांगसंग के बॉडी में इसका ब्लड वेसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तांगसंग साथ ही अपने कल्टीवेशन को भी सप्रेस करता है, यानी कि ये अपने पावर को और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड कर रहा है। ये जानता है कि फ्यूजन से निकलने वाला एनर्जी काफी ज्यादा है और ये इसे 9th ईयर के पीक पे भी लेकर जा सकता है, मगर ये ऐसा नहीं चाहता, ये अपने पावर को और भी कंसंट्रेटेड करना चाहता है। जबकि इधर तांगसंग प्रैक्टिस कर रहा है, फिर इधर दूसरी ओर बिग कैट और मीगोंजी, इनका फाइट अभी भी चल रहा है इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन में और ये दोनों भी अपने मैच में काफी अच्छा करते हैं और ये जीत जाते हैं। अब इसके बाद फाइनल्स काफी जल्दी आने वाला है। जो भी प्लेयर्स फाइनल में फाइट करने वाले हैं, इन्हें देखने के लिए डीमन एम्परर खुद ही आने वाले हैं। जब बिग कैट कैरी सिटी के अरीना में फाइट किया करता था, उस टाइम पे एक मॉन्स्टर ने इसे कहा था, एंसेस्टर कोर्ट में जो इलाइट कॉम्पिटिशन होता है उसमें पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप पावर हाउस फाइट करते हैं। उस टाइम पे ये सोचा करता था कि क्या ये कभी भी इस तरह के कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकेगा, और आज ये इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहा है। बिग कैट अपने डोमेन को भी अच्छे से मास्टर कर रहा है, इसका भी कल्टिवेशन स्पीड कम नहीं है, ये भी फास्ट ग्रो कर रहा है। ये तांगसंग को कॉल करने का भी काफी टाइम ट्राई किया था, मगर इसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला। जबकि तांगसंग उधर प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर टाइम पास करता जाता है और अब फाइनल बैटल का भी दिन आ चुका है। बिग कैट स्टेडियम में आ जाता है और ये यहाँ पे अभी भी तांगसंग को नहीं देखा है, ये मीगोंजी को यहाँ पे देखता है। ये देखता है कि आज ये काफी सुंदर भी दिख रही है, ये देखता है कि इसका ड्रेस काफी कीमती भी दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि ये काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। ये जानता है कि पिकोकोरेस काफी अमीर है, जबकि ये लिंक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कंट्रोल कर पाते हैं। तो फिर ये दोनों मिलते हैं और पूछते हैं तांगसंग कहाँ पे है। दोनों कहते हैं मैं उसे काफी टाइम से कॉन्टैक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, मगर वो आंसर नहीं दे रहा, और ये दोनों ही इस बात से काफी सरप्राइज भी है। दोनों में से कोई भी उससे बात अभी तक नहीं कर सका है, कहाँ पे है वो। मीगोंजी अभी से कहती है मैं जाकर उसके रूम में पता करके आती हूँ, मेरा जाना सही रहेगा, मैं टेलीपोर्ट होकर फास्ट वहाँ पे जा सकती हूँ और वहाँ से आ भी सकती हूँ। अब ये होटल की ओर निकल जाती है टेलीपोर्टेशन का यूज करके और ये तांगसंग के रूम की ओर जाना स्टार्ट करती है। होटल के अंदर में ये जीरान को देखती है और ये कहती है कौन हो तुम। ये कहता है प्रिंसेस मैं लिंक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हूँ। मीगोंजी कहती है मैं सुरा को यहाँ पे फाइंड करने आई हूँ। जीरान कहता है मैं भी इसे ही मिलने आया हूँ। लिंक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स और शुरा के बीच में रिलेशन भी काफी अच्छा है। मीगोंजी अब टेलीपोर्टेशन का यूज कर अब तांगसंग के रूम में चली जाती है। जब ये इसके रूम में आती है फिर ये ड्रैगन की आवाज को भी सुनती है और ये सोचती है शायद शुरा ट्रेनिंग कर रहा है। इधर तांगसंग भी फील कर लेता है कि कोई अंदर आ चुका है और ये तुरंत ही कहता है आगे मत आना, मैंने अभी कपड़े भी नहीं पहने। तांगसंग अभी मास्क को भी नहीं पहना हुआ है। तुरंत ही तांगसंग रेडी होकर अपने मास्क को लगाकर ये बाहर आता है और ये मीगोंजी को देखता है और ये कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना लेट तक में प्रैक्टिस भी करूंगा। जबकि जिंपिंग स्किल और विंड ड्रैगन स्किल दोनों ही एक साथ में फ्यूज हो चुके हैं, फिर तांगसंग भी काफी चेंजेस से गुजरा है। फ्यूज होने के बाद ये स्किल गोल्डन ड्रैगन विंग्स हो चुका है। इस फ्यूजन के बाद से तांगसंग का फिजिकल पावर भी पहले से काफी इंप्रूव किया है। तांगसंग सोचता है कि ऐसा लगता है ड्रैगन ब्लड मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, जबकि इसके बॉडी में पहले से ही जिंजिंग है, तो फिर तांगसंग आज के मैच को तो ये मिस ही कर देता अगर मीगोंजी इसके रूम में नहीं आती। तो फिर क्योंकि इस टाइम का तो अंदाजे भी नहीं था कल्टीवेट करने के टाइम पे, ये दोनों फास्टली यहाँ से निकलते हैं और ये कॉम्पिटिशन की जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद इन्हें नंबर को सेलेक्ट करना है जिस ऑर्डर में ये फाइट करने वाले हैं, लेकिन ये रैंडम होगा और ये थिंग एक वीआईपी रूम में चल रहा है। तांगसंग देखता है कि जिस मशीन से बॉल को निकालना है ये एक टेबल पे रखा हुआ है और इसे एक लॉटरी मशीन भी कहा जाता है और इस टेबल के पीछे एक पर्सन है और इसके अराउंड काफी ज्यादा लक एनर्जी को भी फील किया जा सकता है। ये फील कर तांगसंग अपने लक एनर्जी को काफी सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। ये जानता है कि ये पर्सन कौन है, ये पूरे एंसेस्टर कोर्ट को कंट्रोल करता है, ये पूरे एंसेस्टर कोर्ट का हेड है और ये और कोई नहीं बल्कि टियानु एम्परर है, स्काई फॉक्स डीमन एम्परर। तांगसंग
तांगसंग खुद को शांत रखने का पूरा ट्राई करता है। तांगसंग देखता है कि एक के बाद एक मॉन्स्टर आगे जाकर अपने हाथ को लॉटरी मशीन में डाल रहे हैं और इन्हें एक बॉल मिल रहा है जिसपे एक नंबर भी लिखा हुआ है। बिग कैट आगे जाता है और ये नंबर को लेने के बाद टियानु एम्परर को थैंक्स कहता है। हालांकि ये एम्परर किसी को भी भाव नहीं दे रहा। तांगसंग और मी गोंजी भी लाइन में लगे हुए हैं और तांगसंग सबसे लास्ट में है। जब स्काई फॉक्स एम्परर तांगसंग को देखते हैं फिर यही से कहते हैं, तो तुम्हें क्रिस्टल डीमन एम्परर का ब्लेसिंग मिला है, काफी इंटरेस्टिंग है। तांगसंग इस पे हां कहता है। ये अपने नंबर को लेने के बाद ये साइड में आ जाता है और सोचता है कि शायद ये फॉक्स एम्परर इसके बारे में पता लगाएगा, तांगसंग के बारे में जाने का कोशिश करेगा। तांगसंग को भी नहीं पता कि ये जिंग जिंग क्या है, मगर इसे पता है कि ये क्रिस्टल डीमन एम्परर से ही रिलेटेड है। जबकि सभी को अपना नंबर मिल चुका है फिर मैच का ऑर्डर भी सबको दिखाया जाता है। तांगसंग ये देखता है और ये खुश हो जाता है और कहता है, फाइनल के फर्स्ट राउंड में कम से कम मैं मी गोंजी और बिग कैट एक दूसरे के साथ में फाइट नहीं करने वाले हैं, ये अलग अलग ओपोनेंट के साथ में फाइट करने वाले हैं। नेक्स्ट अब इनका मैच स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग में ही बिग कैट फाइट करने वाला है। मी गोंजी तांगसंग को कहती है, ब्रदर आज हम काफी लकी हैं, हमें एक दूसरे के साथ में फाइट नहीं करना है। इधर बिग कैट ये स्टेज पे जा चुका है फाइट करने के लिए और इसका ओपोनेंट भी सामने आता है और ये एक मॉन्स्टर क्लैन से बिलोंग करता है। इसके क्लैन को ग्लेस क्लैन भी कहा जाता है। इस क्लैन से एक डीमन एम्परर भी है जो कि फिफ्थ रैंक पे आता है। इनका क्लैन काफी रिच क्लैन भी है। पूरी मॉन्स्टर क्लैन में इनके क्लैन के पास में एक तरह का एबिलिटी है, ये नेचर में जेम स्टोन को भी डिस्कवर कर सकते हैं और पूरे ही कॉन्टिनेंट में इनका सबसे बड़ा कॉइन फैक्ट्री भी है जहाँ पे ये पैसे को बनाते हैं। इस बंदे को गोल्ड मास्टर भी कहा जाता है। रेफरी आगे आता है और अनाउंस करता है बिग कैट कैरी सिटी से फाइट करने वाला है गोलान के साथ में जो कि लीली क्लैन से है। फाइट स्टार्ट होता है। बिग कैट फाइट स्टार्ट होते ही जोर से चिल्लाता है। इधर गोलान ये अपने हाथ में स्पीयर को होल्ड किए हुए अब इसे आगे की ओर घुमाता है और इसे थ्रो करता है। ये स्पीयर बिग कैट की ओर आगे जाता है और जाते हुए ये गायब हो जाता है और सडनली ये इसके ऊपर में अपीयर होता है और ये इसका पीछा करने लगता है। इस टाइप में बिग कैट भी काफी सरप्राइज है गोलान के अटैक से और ये किसी तरह से इसके अटैक से बचता है। बिग कैट अपने रिपल्सिव पावर का यूज किया है, इससे ये बच भी सका है। बिग कैट सोचता है कि अब तक इसका कोई भी ओपोनेंट वेपन को लेकर नहीं आया है यहाँ इस कॉम्पिटिशन में। गोलान ये अपने सर पे एक जेम स्टोन को प्रेस करता है और ये स्पीयर इसके कमांड को फॉलो करना स्टार्ट करता है। बिग कैट ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है इस स्पीयर में, मगर इस स्पीयर में लाइटिंग का पावर है जिससे एक पैरालाइजिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है जो कि बिग कैट के लिए सही नहीं है। इस टाइम पे बिग कैट इसे ब्लॉक करता है मगर ये इसे रोक भी नहीं पाता। कोलाइड करने के बाद ये स्पीयर वापस गोलान के पास में आ जाता है। बिग कैट के मुंह से ब्लड भी आता है। इधर मी गोंजी कहती है, अगर मुझे पहले पता होता कि बिग कैट वेपन के कारण से हार सकता है फिर मैं अपने फादर को बोलकर इसके लिए एक बेटर वेपन का जुगाड़ करवा देती। ये कहती है, तुम्हें क्या लगता है क्या बिग कैट इसे जीत सकेगा? बिग कैट के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, ऑलरेडी इसे गोलान सप्रेस कर रहा है। लाइटनिंग स्पीयर काफी स्ट्रांग है और इसका आर्मर जो ये पहना हुआ है ये भी काफी स्ट्रांग है। हालांकि बिग कैट का अभी एक्सप्लोजिव पावर निका का सामने नहीं आया है। बिग कैट पीछे हटता है और ये अपना दूरी बनाता है इस स्पीयर से। गोलान का स्पीयर अटैक है काफी स्ट्रांग है और ये बार बार इस अटैक को कर सकता है। इसके आर्मर से काफी एलिमेंट का पावर भी साइन कर रहा है तो इसका डिफेंस भी काफी स्ट्रांग है। इधर स्टेडियम में वीआईपी रूम में लायन और टाइगर क्लैन के नोबल्स बैठे हुए हैं और ये देखते हैं कि बिग कैट वेपन के कारण से काफी सप्रेस हो रहा है। गोलान ये बिग कैट से अपने रीबाउंड एबिलिटी से फाइट भी कर पा रहा है और जबकि इसके पास में पावरफुल वेपन और आर्मर है तो फिर इसे आसानी हो रहा है, मगर बिग कैट ये अपने स्वॉलोइंग और रिपेलिंग पावर का यूज कर रहा है फाइट में। इधर वीआईपी रूम में गोल्डन लायन भी इस फाइट को देख रहे हैं और ये देखते हैं कि बिग कैट पे गोलान ने जब अटैक किया फिर ये दूर पीछे की ओर जाकर गिरा है और इसके मुंह से ब्लड भी आ रहा है। गोलान फील करता है कि ये एक के बाद एक पावरफुल अटैक कर रहा है। देखने से लग सकता है कि बिग कैट को ये सप्रेस कर रहा है और ये इस फाइट को जीत भी रहा है, मगर ऐसा नहीं है और ये बात गोलान भी जानता है। ये फाइनल में आने से पहले ये अपने वेपन्स को निकाला नहीं था फाइट करने के लिए, मगर ये फाइनल में आने के बाद अपने वेपन और अपने आर्मर का यूज कर रहा है ताकि ये सेमीफाइनल तक में जा सके। गोलान अटैक करना फिलहाल बंद कर देता है और ये अपने एनिमी को देख रहा है। इसके हाथ में अभी भी इसका थंडर स्पीयर है, इसके बॉडी में अभी भी इसका ब्लड फास्ट सर्कुलेट कर रहा है और इसका पावर भी रेडी है नेक्स्ट अटैक करने के लिए। इधर बिग कैट अभी भी पहले के अटैक से ही रिकवर हो रहा है और ये गोलान के अटैक को देख रहा है कि ये क्या करने वाला है। बिग कैट अभी ये अटैक नहीं कर रहा, बस ये वेट करता है और अपने पावर को रेडी रखता है। तुरंत ही अब गोलान चिल्लाता है और कहता है गो टू हेल और इसके थंडर स्पीयर से थंडर फ्लैश करता है। इधर ये देखकर बिग कैट के आई में रेड लाइट भी फ्लैश करता है। तुरंत ही थंडर स्पीयर बिग कैट के पास में आ जाता है, मगर इस बार बिग कैट इसके अटैक को डॉज करता है। ये देखकर गोलान भी सोचता है अब तक तो ये डॉज नहीं कर रहा था, अब ये कैसे कर लिया? अब तक बिग कैट इसके अटैक से हिट ही हो रहा था तो अब ये इसके अटैक को समझ चुका है। तुरंत ही बिग कैट से रेड लाइट भी फ्लैश करता है और ये रेड लाइट गोलान तक जाता है। रेड लाइट इसके बॉडी पे पड़ते ही गोलान काफी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को फील करता है। गोलान का रीबाउंड
साउंड स्किल काफी अच्छा है। इससे इसका रिफ्लेक्स भी काफी अच्छा हो जाता है, जिसके कारण से ये एनिमी का अटैक को डॉज भी कर पाता है अपने इंजर स्टेट में भी, मगर इस बार ये डॉज नहीं कर पाता और बिग कैट का शॉर्ट लाइट आकर इसे हिट करता है। तुरंत ही हिट होने के बाद इसके मुंह से काफी ब्लड भी आता है और ये काफी हैरान है, साथ ही ये काफी गुस्सा भी है। इसका आर्मर भी काफी डैमेज हो चुका है, इसका आर्मर काफी कीमती था, अगर इसे रिपेयर करवाना होगा तो फिर इसे काफी पैसे भी लगने वाले हैं। इस बार इसके आर्मर में डीप कट का निशान भी देखा जा सकता है। गोलाइन इंजर हुआ था, मगर बिग कैट भी रीबाउंड से काफी इंजर हुआ है और इसका इंजरी काफी सीरियस भी है। गोलाइन का आर्मर भी कट हो चुका है, अभी बेकार है। इधर तांगसांग भी इस फाइट को देख रहा है। बिग कैट थंडर स्पीयर के अटैक से तो बच गया, इस कारण से भी ये इस फाइट को सप्रेस भी कर रहा है। बिग कैट के पास बैटल एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है, इसका ही ये एडवांटेज भी ले रहा है। इस फाइट के दौरान बिग कैट अपने ओपोनेंट के काफी सारे अटैक से हिट हुआ है और ये इसके पावर को भी सॉलो किया है। इससे इसका किलिंग इंटेंट भी काफी स्ट्रांग हो चुका है, जिससे इसे फायदा भी लास्ट में हो रहा है, मगर इस प्रोसेस में इसे काफी पेन और काफी इंजरी का सामना भी करना पड़ा है। बिग कैट के बॉडी में इसका किलिंग इंटेंट ज्यादा सप्रेस भी नहीं हो पा रहा है और ये अपने किलिंग गॉड डोमेन को रिलीज करता है मेन टाइम पे, और थंडर स्पीयर भी इस डोमेन में काफी वीक हो चुका है। बिग कैट आगे जाकर एक बार फिर से कोलाइड करता है अपने ओपोनेंट से, और इस बार इस कॉलिजन में इसका शॉर्ट इंटेंट भी ब्रेक हो जाता है, मगर कॉलिजन के दौरान में इसका शॉर्ट इंटेंट इसके ओपोनेंट के शोल्डर को चीरते हुए अंदर तक घुस गया था, जिससे गोलाइन के शोल्डर पे काफी डीप कट का निशान भी आया है। अब गोलाइन बिग कैट को देखकर डर भी रहा है, ये स्टार्टिंग में तो फाइट को जीत रहा था मगर अब नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को ये फील करता है। गोलाइन तुरंत ही अब हार मान लेता है, ये काफी डर जाता है कि ये कहीं मारा ना जाए। हालांकि इंजरी के मामले में ये ज्यादा कुछ खास इंजर नहीं है, इस फाइट में बिग कैट काफी ज्यादा इंजर हुआ है, इससे भी ज्यादा। बिग कैट के लिए ये फर्स्ट मैच था जिसमें ये अपने किलिंग डोमेन को भी यूज किया है। गोलाइन को दूसरे ऑडियंस भी अब इसे डरपोक कहकर पुकारते हैं, जबकि इसने लास्ट में ही अपना दम तोड़ दिया और ये डर के मारे इस मैच को हार गया। इस फाइट को जीतने के बाद बिग कैट अब टॉप 8 में आ चुका है। टॉप 16 मैच में फाइट करने के बाद बिग कैट काफी जोर से चिल्लाता है और ये वीआईपी रूम की ओर भी देख रहा है। ये लायन और टाइगर क्लैन को बता देना चाहता है कि इनका क्लैन भी कोई वीक क्लैन नहीं रहा। अब ये स्टेज से उतरकर अब वेटिंग रूम की ओर जाने लगता है। यहाँ पे वेटिंग रूम में गोल्डन लायन ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और तांगसंग भी यहाँ पे है। तांगसंग इनसे प्रॉमिस किया था ऑक्शन के बाद में कि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को लेकर इनके क्लैन में आएगा जो कि एक्सकैलिबर के लायक होगा। इस कारण से भी गोल्डन लायन ये बिग कैट के मैचेस को स्टार्टिंग से इसका सारे मैचेस को भी देख रहे थे, जबकि बिग कैट अब टॉप 8 पे चला जा चुका है। फिर गोल्डन लायन भी इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। गोल्डन लायन बिग कैट को देखकर कहते हैं, मेरा नाम गोंग वुडी है और मैं लायन क्लैन का हेड हूँ। तांगसंग देख सकता है बिग कैट अभी इंजर्ड है, ये कहता है फिलहाल इसे रेस्ट करने देते हैं ताकि ये फ्यूचर में फाइट भी कर सके कंपटीशन में। ये सुनकर गोल्डन लायन अब एक पिल को निकाल कर इसे देते हैं और ये इसे कहते हैं ये हमारे क्लैन का होली पिल है, ये तुम्हारे इंजरी को हील करने में हेल्प करेगा। ये देखकर बिग कैट इसे ले लेता है। तांगसंग भी अब इसके साथ में साइड में आ जाता है इसका हेल्प करने के लिए, जब ये इस पिल को एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो फिर बिग कैट अब यहाँ पे बैठ कर पिल को खा लेता है। इस पिल से एनर्जी निकल कर इसके बॉडी के अंदर में सर्कुलेट होना भी स्टार्ट हो जाता है, ये मेडिटेट करना स्टार्ट करता है और खुद को हील करना भी। तांगसंग देखता है कि बिग कैट अपने मेडिटेशन को स्टेबल कर चुका है। मी गोंजी भी कहती है, ब्रदर तुम जा सकते हो, मैं इसे गार्ड करूंगी। तांगसंग का फाइट थर्ड मैच में है, एक और मैच के बाद तांगसंग भी फाइट करने वाला है। अभी मैच भी काफी हॉट हो चुका है, जबकि टॉप 16 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं टॉप 8 में आने के लिए। इस कॉम्पिटिशन में बिग कैट भी अपने एबिलिटी को प्रूव कर दिया है, एक के बाद एक पावरफुल ओपोनेंट को डिफीट करके, और इस कारण से भी खुद ही गोल्डन लायन चलकर इसके पास भी आए हैं इसे मिलने के लिए। तांगसंग इस टाइम पे शांत है और अपने पावर को स्टेबल कर रहा है। इसका फाइट स्टार्ट होने से पहले तांगसंग सोचता है कि इसने लास्ट नाइट जिम्पिंग स्किल को विंड ड्रैगन के ब्लड से मर्ज कर दिया है, अगर ये जिम्पिंग स्किल के पावर के साथ ड्रैगन स्किल को कवर कर सका तो फिर ये इसे यूज कर सकेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दूसरों को नहीं पता चलेगा कि इसमें ड्रैगन पावर भी ऐड है। इस बार तांगसंग इसका खुद का भी कल्टीवेशन इंक्रीज किया है। अब 5 मिनट वेट करने के बाद मी गोंजी कहती है, ब्रदर तुम्हारा बारी आ चुका है फाइट करने का। तांगसंग भी निकलता है स्टेज पे। स्टेज पे आने के बाद तांगसंग फील करता है कि इस वर्ल्ड में से आए हुए अब काफी साल हो चुके हैं और अब जाकर ये इस वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टेज पे फाइट भी करने वाला है। यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग देखने भी आए हैं। वीआईपी रूम में ग्रेट डिमन एम्परर टियानु भी बैठे हुए हैं, इन्हें स्काई फॉक्स एम्परर भी कहा जाता है। ये तांगसंग को देखकर कहते हैं, ये क्रिस्टल डिमन एम्परर तो इस ह्यूमन को चूज किया है, शायद इस ह्यूमन का टैलेंट भी काफी अच्छा है, जबकि ये टॉप 16 में इंटर कर सकता है, तो फिर ये सोचते हैं कि अगर ये ह्यूमन क्रिस्टल डिमन एम्परर के अटेंशन को गेन कर सकता है फिर ये दूसरे डिमन एम्परर के भी अटेंशन को जरूर ही अट्रैक्ट कर सकेगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनिमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।